20th के आसपास एंड दिस हैज बीन फॉर 9,53,000 ऑन रोड इन आगरा. हेलो टू एवरीवन. तो भाई लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज अपने सामने है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा. आज हम इनके ओनर से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्यों ब्रेजा ही क्यों ली और क्या क्या इसकी प्राइसिंग थी और कैसा है उनका इसके साथ एक्सपीरियंस. तो एक छोटी वीडियो है बट उनकी जितनी भी इसके बारे में जो भी है वो सब वो आपको बताएंगे. तो एक बार मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको. सबसे पहले हम उनका नाम पूछते हैं. तो भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए. हाय गाइस, माय नेम इज आशुतोष तोमर. तो भाई एक बात बताइए मेरे को, तो केवल आपने ब्रेजा ही क्यों सोची इसके कंपटीशन में? जैसे आपको काफी गाड़ियां मिल जाती है जैसे वेन्यू भी इसके कंपटीशन में, बट ब्रेजा ही क्यों? यार गए थे हम सोनेट पे भी गए थे, किया की एंड नेक्सॉन पे भी गए थे. वेन्यू इसलिए नहीं सोची बिकॉज हुंडई से वी वर नॉट दैट मच सैटिस्फाइड, बट मारुति एंड नेक्सॉन तो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं. बट हमें लेनी 2020 में थी और नेक्सॉन की बिल्कुल ही मार्केटिंग बंद हो गई है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई है. तो नेक्सॉन हमें अनटिल फेब्रवरी 2021 मिल ही नहीं रही थी. तो फाइनली वी केम डाउन टू ब्रेजा एंड ये हमने अभी उठाई है दिसंबर 20th के आसपास एंड दिस हैज़ बीन फॉर 9,53,000 ऑन रोड इन आगरा. तो इसके अलावा जैसे अगर ब्रेजा नहीं हो, अगर मारुति के अलावा जैसे आप कोई और गाड़ी सोच रहे हो तो वो क्या हो सकती है इससे बेटर ऑप्शन? मेरे हिसाब से तो बेस्ट थी नेक्सॉन और नेक्सॉन की भी रेट सही है. सेकेंड मॉडल बेस मॉडल से ऊपर वाला बहुत प्रॉपर है उसकी सब कुछ, मतलब हमने जितना भी रिसर्च करी नेट पे इट वाज कमिंग आउट कम्प्लीटली द सेम. उसके लगभग 10-12 दिन हो गए ऐसे लिए हुए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी है ये चलने में और अदर और भी कुछ उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आपको लगे हो? 1,000 किलोमीटर चला लिया है अभी. जैसे कि हम अभी दिसंबर के बाद एक ट्रिप पे गए थे ओरछा मध्य प्रदेश की साइड, तो मेरे को तो बहुत प्रॉपर लगी. इसकी ऑटोमेटिक स्टार्ट दे दिया उसमें एंड दैट हैज़ बीन डन द बेस्ट थिंग अप टिल नाउ. उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है. मैंने अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है, तब भी मेरे को जो म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट लगा है दैट इज़ पार ब्रिलियंस. और मैं सिर्फ 12-13 की साउंड पे चलाता था लेकिन तब भी जो बीट आती थी, जो भी म्यूजिक आता था दैट वॉज एक्सीलेंट. उसके अलावा इसने एवरेज भी बहुत अच्छा निकाला है, अराउंड 16-17 ऑन रोड इन हाईवे निकाला है. सिटी में थोड़ा सा कम है क्योंकि पेट्रोल इंजन है और मारुति ने तो बंद ही कर दिया डीजल. एंड उसके अलावा मेरे को फर्स्ट सर्विस मैंने करा ली है इसकी, फर्स्ट इंस्पेक्शन, एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दिस कार. तो भाई ये तो था हमारे भाई का जो भी इनका गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस था. अब हम चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर और देखते हैं कैसी है ये चलने में, फिर मैं आपको बाकी सब चीजें बताता हूँ. तो भाई फाइनली अब हम लोग ड्राइव करने वाले एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है चलने में. आप एक बार इसकी पूरा फ्रंट का देख सकते हैं, विंडशील्ड काफी बड़ी है तो सामने का लुक बहुत अच्छे से आ रहा है. मेरे को बोनट बहुत क्लियरली दिख रहा है. बेसिकली भाई मैं हूं बलेनो ड्राइवर, जैसे कि आप जानते हो हम काफी नीचे में होके बैठते हैं, बट ये काफी ऊंची कार है, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो बहुत ज्यादा अच्छी है चलने में. और बेसिकली जो इसका इंजन जनरेटिंग पावर है भाई, क्योंकि भाई 1500 cc का इंजन है और 103 bhp जो पावर जनरेट कर रहा है ना भाई, एक्सेलरेशन दबाते ही मजा आ रहा है इसे भगाने में. और टॉर्क जो जनरेट कर रही है गाड़ी वो 138 Nm का कर रही है. बाकी मेरे उस गाड़ी में सब कुछ अच्छा लगा है. एक चीज जो मैं इन्होंने जो काफी अच्छा चेंज किया जो उसकी MID डिस्प्ले है, वो उन्होंने काफी अच्छी कर दी है पुरानी वाली ब्रेजा से. काफी सारे फीचर्स उन्होंने उस डिस्प्ले में हमें दे दिए हैं. और जो एवरेज निकालने की बात रही भाई, वो तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गाड़ी में कैसा एवरेज निकाल सकते हो. बेसिकली ये निकालती है 17.3 का एवरेज जो कंपनी क्लेम कर रही है, बाकी तो सब ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है.